अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया मलिक है। मैं एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी में एसोसिएट प्रोफेसर के फराइज भी अंजाम दे रही हूँ। तकरीबन 25 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि मैं माओं की सेहत के ऊपर काम कर रही हूँ, यूके में, यूएई में और पाकिस्तान में। ये एक इंतहाई तकलीफ दह बात है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में होता है जहां माओ की जचगी के दौरान की शरह मात और नौजायदा बच्चों की शरह मात बहुत ज्यादा है। आप ये स्टेटिस्टिक्स इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने एप्स यूरोप और एप्स मिडल ईस्ट ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम इसकी कुछ ऐसे फौरी इकदाम करेंगे कि इनशाला ये शरह मात कम हो सकती है। उसके लिए WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक हम ये चाहेंगे कि तमाम माएं जो कि घर में बच्चा पैदा करती हैं, उनके पास एक क्लीन बर्थिंग किट मौजूद हो डिलीवरी के वक्त। इस क्लीन बर्थिंग किट में कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो माँ डिलीवरी के फौरन बाद आसानी से जबान के नीचे रख लेती है, जिसे हम टैबलेट माइसोप्रोस्टोल कहते हैं। इसकी वजह से माँ की मौत, जो कि ज्यादा खून बह जाने की सूरत में होती है, उसका एहतमाल नहीं रहता। और ये 80% अमवात की वजह ज्यादा खून बह जाना होता है। चुनांचे अगर आप उनको ये टैबलेट मुहैया कर देंगे उस वक्त के लिए, तो आपने इसका एक आसान इलाज ढूंढ लिया। अब आते हैं नौजायदा बच्चे की तरफ। बच्चों की अमवात जो है उसकी सबसे ज्यादा वजह होती है इन्फेक्शन यानी सेप्सिस। जो बच्चे की आंवल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो पैदाइश के वक्त साफ चीजों के साथ नहीं गाटी जाती, यानी कि उसको स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से नहीं काटा जाता, बल्कि घर में मौजूद चाकू, छुरियां, बाप की शेविंग किट के अंदर से सामान और इस किस्म की अशिया से बच्चे की कॉर्ड को काटा जाता है। लेकिन क्लीन बर्थिंग किट में मुहैया जो अशिया होंगी उसके अंदर स्टेराइल इक्विपमेंट मौजूद होगा, जो फौरी तौर पे बच्चे की नाव को एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के और एक स्टेराइल तरीके से काटा जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इनकी ये क्लीन बर्थिंग किट नहायत सस्ती, तकरीबन 300 रुपए में एक किट तैयार हो जाती है और मकामी किसी भी फार्मेसी स्टोर से ये तैयार की जा सकती है। हमारा काम इस किट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन को फैलाना होगा और फिर इस किट्स को माँ तक पहुंचाने का पूरा प्रोग्राम बनाना होगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी सदा है जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि हम इस प्रोजेक्ट को मिलके करें और माओ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और इन क्लीन बर्थिंग किट्स को हर हर माँ जो घर में डिलीवर हो रही है उस तक पहुंचाएं। शुक्रिया।